तो सबसे पहले आपको एक गूगल क्रोम पे आ जाना है। गूगल क्रोम पे आ जाने के बाद सर्च करना है एज्योर पोर्टल। तो जैसे ही आप सर्च करोगे एज्योर पोर्टल, आपको इस तरीके का एक विंडो शो होगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आपको इस तरीके का विंडो शो होगा एंड विंडो शो हो जाने के बाद आपको आ जाना है क्रिएट वन पे। तो क्रिएट वन पे आ जाने के बाद आपसे ये एक बोलेगा क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट के लिए आप आ जाते हैं गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस पे। गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आके आपको एक नाम टाइप कर देना है, देन आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट एक नया जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट अ पासवर्ड का सेक्शन आ जाएगा, देन हमें यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एक प्रोग्रेस स्टार्ट होगा, आपका एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड देन फिर नेक्स्ट पे करके एक द पेनमेन पे आपको क्लिक कर देना है, जो भी आपके पास ऑप्शन आता है। अब आपका पोर्टल जो है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ये आपका पोर्टल बनके तैयार हो गया। तो जैसे ही आप सारी प्रोग्रेस को कंप्लीट कर लेते हो, इस तरीके से जो है हमारा पोर्टल ओपन हो जाएगा। राइट, अब ये हमारा वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का पोर्टल ओपन हो गया। अभी एक ऑप्शन देगा आपको स्टार्ट टूर, तो अभी हम इसको मेबी लेटर पे क्लिक कर देंगे। एंड अब जो आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट विद अ एज़्योर फ्री ट्रायल, उस पे जाकर के आपको क्लिक कर देना है। अभी आपका एक नया पेज आ जाएगा, तो हमें स्टार्ट फ्री पे जाकर अगेन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट फ्री पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको एक विंडो शो होगी। तो इस तरीके से हमें एक डैशबोर्ड पे आ जाएगा साइन अप के लिए। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल सबमिट कर देनी है, योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड एक अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है। तो मेक श्योर फोन नंबर आप वही सबमिट करें जिसका वेरिफिकेशन कोड आप सबमिट कर पाए। तो जैसे ही आप वेरिफिकेशन कोड सबमिट करेंगे, वेरीफाई कोड पे आपको क्लिक कर देना है। ये वेरीफाई हो गया। फिर अगेन हमें कुछ डिटेल भरनी है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन, पैन कार्ड, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप सबमिट करेंगे अमेजोन, एंड अगेन एक चेकबॉक्स पे क्लिक करके हमें नेक्स्ट कर देना है। एंड जैसे ये कम्प्लीट होगा, फिर आपको एक अलग इंटरफेस शो करेगा। एंड देन इसमें आपको अपनी कार्ड डिटेल्स वगैरह सबमिट करनी है। तो कभी भी कोई भी फ्री ट्रायल लेने जाते हो आप, तो आपको अपना डेबिट कार्ड की डिटेल सबमिट करनी होती है। एंड जैसे ही आप सारी डिटेल अपनी फिलअप कर देते हैं, देन आपको सबसे नीचे आके साइन अप बटन पे क्लिक कर देना है। एंड अब आपके अकाउंट से ₹2 का ट्रांजेक्शन होगा फ्री ट्रायल के तौर पे। बेफिक्र रहे, ये पूरा सिक्योरली होता है। तो आपके जो भी आपने अपना कार्ड ऐड किया है, उस कार्ड से अटैच फोन नंबर पे आपके एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको सबमिट कर देना है। और ये जो ₹2 आपके चार्ज लग रहा है, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो बेफिक्र रहिएगा, ये बिल्कुल सेफ होता है। जैसा कि आप देख सकते हो मेंशन किया गया है नो ऑटोमेटिक चार्जेस, आपके कोई ऑटोमेटिक चार्जेस नहीं कटेंगे, सिर्फ ₹2 का एक ट्रांजेक्शन होगा जो आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बाय कार्ड की तरफ से आपका ये कम्प्लीट हो चुका है। अब हम उसको सिंपली साइन अप पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक लोडिंग शुरू हो गई है सेटिंग अप योर अकाउंट की। तो कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। यू आर रेडी टू स्टार्ट विद एज़्योर। तो हमें बैक आ जाना है, गो टू द एज़्योर पोर्टल पे क्लिक कर देना है। तो अब ये हमारा फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो चुका है। तो सिंपली आपको होम पे आ जाना है। होम पे आ जाने के बाद हमें क्रिएट अ सोर्सेस पे क्लिक करना है, प्लस आइकन पे। जैसे हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस शो करेगा। एंड देन हमें आ जाना है वर्चुअल मशीन पे। वर्चुअल मशीन पे आके हमें क्लिक कर देना है। तो अब यहां पर हमारी आरडीपी की मेकिंग शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं फ्री ट्रायल हमें शो कर रहा है सब्सक्रिप्शन में। एंड अब हमें वर्चुअल मशीन नेम अपनी आरडीपी का कोई एक नेम दे देना है, RDP1। तो मेक श्योर आपको कहीं भी स्पेस नहीं देना है। तो आप देख सकते हो RDP1 हो गया। अब यहाँ पर हम एक लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी लोकेशन का आप बनाना चाहते हो वो लोकेशन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आप देख सकते हो Zone 1 सिलेक्ट हो गया हमारा ऑटोमेटिक। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमें अपनी पीसी की विंडो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी विंडो है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मेरी विंडो 10 Pro है, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमसे साइज पूछते हैं, कितने जीबी की आरडीपी आपको बनानी है। तो हम सी ऑल साइज पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो सारे साइजेस आपको शो कर जाएंगे।
तो स्टार्टिंग में फ्री ट्रायल में आप 16 GB की RDP बनाए। तो अभी हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेते हैं कौन सा साइज हमें फ्री मिलता है। तो आप जैसा कि देख सकते हो अभी कोई भी हमें फ्री ट्रायल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको फ्री ट्रायल देखने को नहीं मिले तो सिंपल आप आ जाओगे, इस कट के बटन पर क्लिक करेंगे एंड बैक आ जाएंगे। देन हम लोकेशन को चेंज करके देखेंगे एक बार। तो अभी वेस्ट यूएस की जगह मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूएस ईस्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो नीचे साइज पे फ्री सर्विस एलिजिबिलिटी शो करा रहा है। तो अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे 16 GB पे। तो अब हमें देना होगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हम कोई भी एक यूजर नेम इसमें इसको बना, कोई भी यूजर नेम आप एक बना लीजिए। यूजर नेम पासवर्ड आपको इस तरीके से बनाना है कि जो आपको याद रहे। कंफर्म पासवर्ड में आपको सेम पासवर्ड को टाइप करना है। एंड आई कंफर्म बटन पे क्लिक करके रिव्यू टू क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो एक सब्सक्रिप्शन हमें फ्री सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो आप बेफिक्र रहे, ये फ्री सब्सक्रिप्शन होता है, ऐसे कोई चार्जेस आपसे ले नहीं जाएंगे। अब हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी RDP बनके तैयार हो गई, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। इस तरीके से एक प्रोग्रेस आपको दिख रहा होगा, नीचे स्टार्ट हो जाएगा। सो मे भी हो सकता है कि इसको क्रिएट होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगे, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। आप गो टू द रिसोर्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हमारी RDP बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो आप रीड कर सकते हो। एंड देन इसके बाद हमें कनेक्ट बटन पे आ जाना है। कनेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद RDP सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारी RDP बनके तैयार हो गई। डाउनलोड RDP फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम डाउनलोड RDP फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। एंड हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करके कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। अभी आपसे यूजर नेम और पासवर्ड आपको सबमिट करना है। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड सबमिट करना है जो आपने वहां पर डाला हुआ था। एंड सबमिट करने के बाद रिमेम्बर बी पे क्लिक करके इसको कनेक्ट ओके कर देना है। अगेन हम चेक बॉक्स पे क्लिक करके यस कर देंगे और ये कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हो आपकी RDP जो है वो चालू हो चुकी है। एंड जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो आपके पास एक परमिशन आएगी, तो हमें इसको एक्सेप्ट कर देना है। जस्ट प्राइवेसी सेटिंग के रिगार्डिंग आती है और ये हमारी RDP ओपन हो गई। एंड नेटवर्क को हमें यस कर देना है। अब हम चेक कर लेते हैं ये कितने GB की बनी है। तो फाइल मैनेजर में आपको आ जाना है। एंड फाइल मैनेजर पे आ जाने के बाद दिस PC पे आपको राइट क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टीज में आ जाना है। तो आप देख सकते हो ये आपको सारी डिटेल दे देगा। 16 GB की आपकी RDP बनके तैयार हो गई है।